फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, हाई सैलरी जॉब इन दुबई, यानी बहुत से भाई लोगों का कमेंट आया है कि ज़्यादा सैलरी वाला काम के बारे में नहीं, जॉब के बारे में बताइए। तो फ्रेंड, अगर आप बीटेक किए हैं, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो हाई है, ठीक है ना, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, ठीक है ना, अगर आप बीटेक किए हैं, ये सब डिप्लोमा किए हैं, तो मैं चार पांच जॉब के बारे में बताऊंगा जिसमें सैलरी 10 लाख 20 लाख तक मिलेगी, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट, ये पूरा कंपनी को, यानी कि पूरा कंपनी को ही हैंडल करता है। जिस कंपनी में मतलब आप जाएंगे, वो पूरा कंपनी को ही हैंडल करता है एचआर डिपार्टमेंट। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट में भी हो, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है ना, उसमें सैलरी आपका 10 से 15 लाख, यहाँ तक 20-20 लाख रुपया मंथली सैलरी इंडिया के कमाते हैं दुबई में जाकर लोग, ठीक है ना। इसके बाद पीडी, यानी कि पूरा कंपनी को ही हैंडल करता है, जिसका पूरा अर्थ होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है ना, जिसको हम पीडी बोलते हैं। इसके बाद पीएम, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, इसका भी सैलरी 10-10 लाख 5 लाख से ऊपर ही रहता है, ठीक है ना। पीएम, सीएम, सीसीएम, सीसीएम का मतलब होता है सीनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर, ठीक है ना, इसका भी सैलरी 3 लाख 4 लाख रुपये तक रहता है। सीएम यानी कंस्ट्रक्शन मैनेजर, इसका भी सैलरी 2 से 3 लाख रुपये से ऊपर ही रहता है, समझ लो, इंडिया ये सैलरी बता रहा हूँ। ये सब ऐसा पोस्ट है फ्रेंड कि अगर आप एक बार इसमें पहुँच गए तो समझ लो दो चार साल में ही आप कोई करोड़ रुपया कमा लेंगे, ठीक है। और समझ लीजिए कि हाई जॉब सैलरी के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसमें सैलरी जो आपका मिलेगा समझ लीजिए हाई रहेगा, और जो फैसिलिटी रहता है ये एकदम स्टाफ का फैसिलिटी, समझ लीजिए नंबर वन फैसिलिटी, कोई